नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक्स हेल्पलाइन। ये वो शो है जहां पे आपके स्टॉक्स में निवेश के सवालों के जवाब देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। आज हमारे साथ हैं आशु मदान और टेक्निकल चार्ट्स पर होंगी हमारे साथ स्वाति होटकर। बहुत बहुत धन्यवाद आशु आने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगा कि 33,700 भी पार और अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है बाजार में। मार्केट में जैसे एक नैरो रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है, अपसाइड भी थोड़ी कैप्ड लगती है एज ऑफ नाउ इस एक्सपायरी तक के लिए, और डाउनसाइड भी लिमिटेड लगती है। और इसी दायरे में अगर आप विवेक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखें कि जब से मूडी का अपग्रेड हुआ है, हम 100-125 पॉइंट गैप अप खुले थे जो कि 10,360-70 के गैप पे, उसके बाद से अब तक आई थिंक वही 10,360-70 के लेवल पे रोज हम 25-30 पॉइंट गैप अप ओपन होते हैं, लेकिन हम 400 को पार नहीं कर पा रहे थे। आज पहला दिन है जो हमने देखा कि थोड़ा सा एक मूवमेंट 400 की तरफ आई है, तो ये एक थकान भी दिखाता है मार्केट में, और ये दिखाता है कि जो शॉर्ट पोजीशंस हैं प्राइमरीली, जो कि एक गैप अप के बाद एक फॉलो अप शॉर्ट कवरिंग आती थी, वो शॉर्ट कवरिंग इस वक्त मार्केट से मिसिंग है। सो आई थिंक अगर बहुत सारे लोग जो टेक्निकली फॉलो करते हैं कि एक गैप अप के बाद एक पॉइंट ब्रेक करने के बाद शॉर्ट कवरिंग आएगी, आई थिंक वो शॉर्ट कवरिंग मिसिंग है, जिसका एक क्लियर एग्जाम्पल हमारे को पिछले 4 या 5 सत्र में देखने को मिला कि किसी भी दिन 10,360-70 को खुलने पे 20-25 पॉइंट गैप अप के बाद फिर हमने एक नीचे का लेवल देखा और 50-60 के बीच में बंद हो गया। तो आज पहला दिन है जो एक थोड़ा सा ब्रेकआउट सिग्नल दे रहा है कि हम 10,400 को क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं, बट रेंज अभी भी नैरो लगती है। जैसे मैंने बोला 10,400 और 500 का बैंड है जो अपसाइड कैप लगता है, 250 और 300 डाउनसाइड कैप लगता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, इसी दायरे के अंदर ट्रेड करेगा, 50 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट ऊपर हर बार लगेगा ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कहीं पे भी मार्केट नहीं जाएगा, क्योंकि एक जो एक मार्केट में एक अगली स्ट्रेंथ दिख रही है, जिस तरह से आपने भी बोला कि रेटिंग एजेंसी के अपग्रेड की, आई थिंक पहली चीज काफी हद तक वो डिस्काउंटेड है। सेकेंड चीज अगर नहीं आता तो मुझे लगता है कि कहीं थोड़ा सा करेक्शन ना आ जाए, क्योंकि उस एक्सपेक्टेशन पे अगर कोई नया बिल्टअप खड़ा हो जाए कि S&P की रेटिंग बहुत मायने रखती है, और उसके बाद एक और जिस तरह से मूडी में हमने 100 पॉइंट का गैप अप देखा कि S&P भी 100 पॉइंट का गैप अप दिखा सकता है, कि ऐसे में अगर सिचुएशन ओवरबॉट हो सकती है तो एक छोटा सा करेक्टिव मूव भी आ सकता है। सो आई थिंक इंडेक्स में अभी एक नो ट्रेड जोन है, कोई बड़ा ट्रेड नहीं करना चाहिए, स्टॉक्स के साथ बने रहना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत से दर्शक भी जुड़ रहे हैं आप सबसे बात करने के लिए। जेठूमल है उल्हासनगर से। जेठूमल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, आपके पास रिलायंस इंफ्रा के शेयर्स हैं? हाँ, रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस कैपिटल जी। ये कब लिए आपने? आप इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिए? इन्वेस्टमेंट किया मैं करके 1 साल हो गया है, तो मैं वो रिलायंस इंफ्रा लिया हूँ 610 में, 500 से, और रिलायंस कैपिटल लिया हूँ 560 में। एक आपने रिलायंस इंफ्रा, दूसरा रिलायंस कैपिटल। रिलायंस कैपिटल, अच्छा चलिए। आशु आपसे ही पूछते हैं, ये 1 साल से बने हुए हैं दोनों शेयर्स में, ADAG पर काफ़ी मतलब कंट्रोवर्सी रही है हाल के दिनों में, ये जो डेट डिफॉल्ट हुआ रेटिंग को लेकर, लेकिन ये जो दो कंपनीज हैं इस ग्रुप की, इन पर आपका क्या नज़रिया? देखिए विवेक, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि कंसिस्टेंट व्यू मेरा तो पर्टिकुलरली राय है कि ADAG ग्रुप में ट्रेडिंग मूव्स तो इंटरमिटेंटली हमारे को अवेलेबल रहती हैं और पीछे भी रही हैं, बट ये दोनों स्टॉक्स ऐसे नहीं है कि जो लॉन्ग टर्म निवेशक लेके बैठ जाए, क्योंकि ओवरऑल जो ग्रुप का कुछ ना कुछ जो चैलेंजेस रहे हैं, जो फाइनेंशियल चैलेंजेस रहे हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं। सो इसके चलते मुझे लगता है कि नेगेटिव सेंटीमेंट बना रहेगा, ऊपर के लेवल पे सेलिंग भी आएगी। सो मतलब डिफिकल्ट कॉल है कि पहली चीज तो ये, जैसे मैंने बोला कि दे वर नेवर एन इन्वेस्टमेंट थीम, इनमें ट्रेडिंग प्लेस अवेलेबल रहते थे लेके बेचने का, और अगर इन्होंने 1 साल पहले लिया था, लॉन्ग टर्म लेना नहीं चाहिए था, और अगर शॉर्ट टर्म लिया था तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए था, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि अगर हाई बीटा स्टॉक्स में आप ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए, क्योंकि थोड़े से स्टॉप लॉस के साथ दोबारा मौका मिल सकता है, लेकिन अगर एक बार आप इस तरह से फंस जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। अब इस लेवल पे ये भी कहना विवेक, इट विल बी डिफिकल्ट कॉल कि इसको एवरेज आउट किया जाए, तो मेरा कहना तो यही रहेगा कि अगर इस ग्रुप में सेंटीमेंट इंप्रूव होता है, कोई पॉजिटिव न्यूज आती है जिसके चलते इनमें हमने एक अप मूव दिखता है,
तो आई थिंक उस अप मूव में एक मौका देख के निकल जाना चाहिए और किसी और स्टॉक में या सेक्टर में शिफ्ट कर लेना चाहिए जिसमें एक तसल्ली रहे या इसमें कॉन्फिडेंस रहे कि छः महीने से एक साल होल्ड करने में आपको एग्जिट मिल सकता है। तो FMCG एक ऐसा सेक्टर है, ऑटो एंसिलरी में इस वक्त निवेश किया जा सकता है, ऑटो स्टॉक्स में भी अभी भी मूवमेंट है, सिलेक्टिव NBFCs में किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे स्टॉक में होल्ड करके बैठेंगे तो शायद जो ये लॉस है इसकी रिकवरी के चांसेस जल्दी होंगे इंस्टेड के जिस लेवल पे ये दोनों स्टॉक लिए इसी का वेट करने से। चलिए अब चलते हैं बैंगलोर जहां से मनीष जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मनीष गुड मॉर्निंग। हाँ सर, ये मैंने बैंको प्रोडक्ट लिया है अराउंड 20 डेज बैक, 227 रुपए की खरीदी पे 200 शेयर लिए मैंने। तो मुझे अभी होल्ड करना चाहिए थोड़ा या रिसेल कर देना चाहिए? जी स्वाति क्या राय बनेगी बैंको प्रोडक्ट पे चार्ट्स पर? चलिए स्वाति से बात हो नहीं पा रही। आशु लगता नहीं मुझे आप ट्रैक करते होंगे इसको, लेकिन अगर करते हो तो कुछ बता देने। नहीं विवेक, इंसिडेंटली करते हैं, हमने पिछले दिनों में रेकमेंड भी किया है कि 215 से 225 के बीच में इसकी बाइंग रेकमेंड की है और मुझे लगता है कि इसको होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। यहां से मुझे 25-30% के मूव शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी लगती है, तो डेफिनेटली इसको होल्ड करना चाहिए और कोई जल्दबाजी में नहीं बेचना चाहिए। चलिए यही राय है, बैंको प्रोडक्ट में आप बने रहिए। आशु की ये राय है आपको मनीष। चलिए अब चलते हैं हिमांशु के पास जो मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हिमांशु गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, कौन सा शेयर है आपके पास? जी हटको परचेज किया है 86 पे, 1000 शेयर्स हैं। ओके इंट्राडे पर्पस से। ओके ओके चलिए स्वाति आपको मेरी आवाज आ रही है? ये ओके हटको पे क्या राय रहेगी आपकी? हेलो, इस ओवरऑल स्टॉक तो काफी कंसोलिडेशन मोड पे चल रहा है, अगर हम देखें तो एक फ्लैट मोमेंटम में चल रहा है। पर्टिकुलर ये काउंटर 80-90 के रुपीस में ही चल रहा है, अनलेस एंड अंटिल 90 रुपीस का ब्रेकआउट नहीं देता है अपसाइड, तो थोड़ा अपसाइड लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। वंस एक बार 90 का लेवल ब्रेक करते तो डेफिनेटली हमें ये काउंटर 97-3 डिजिट्स में देखते हुए दिखाई देगा 100 के लेवल्स पे। बट आई विल सजेस्ट अगर उनका बाई है तो डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए, नीचे में 80 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आई विल सजेस्ट होल्ड कीजिएगा बट 80 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। चलिए अब मुंबई चलते हैं, वहां से सूर्या जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सूर्या के पास अरबिंदो फार्मा के शेयर्स हैं। सूर्या आप ये इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हैं आपने, ट्रेडिंग कर रहे हैं इनमें? मैं ट्रेडिंग के लिए जा रहा सर, अभी वो थोड़ा नीचे गया, अभी तो अभी क्या करना चाहिए? ये कब लिए थे आपने, कितने समय तक रुक सकते हैं आप? अभी रुक सकते हैं 15 दिन तक। 15 दिन तक, अच्छा तो बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू है। तो आपसे ही राय लूंगा मैं स्वाति और अरबिंदो फार्मा पे। और फार्मा काउंटर्स हम लोग ने काफी वीक देखा था, अरबिंदो भी ऑलमोस्ट 8800 के लेवल से हम लोग ने करेक्शन देखा है टुवर्ड्स 680-690 के रेंज में। पर्टिकुलर काउंटर इज लिटिल बिट वीक बट डेफिनेटली एक बाउंस बैक रैली एक्सपेक्टेड है, नीचे 680 का काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि प्रीवियस स्विंग लो सपोर्ट हमें इंडिकेट कर रहा है। तो अगर वो 15 दिन के व्यू से चल रहा है विच इज वेरी शॉर्ट टर्म व्यू है, बट डेफिनेटली नीचे में 680 का सपोर्ट जैसे कि मैंने मेंशन किया है वो एक स्टॉप लॉस रख के आप एक बाउंस बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 740-750 के रेंज में। अगर अपसाइड थोड़ा भी बहुत आता है तो आई विल सजेस्ट टू एग्जिट आउट ऑन एवरी राइज, बट एट द करंट लेवल होल्ड कीजिएगा बट 680 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। ना ये अब चलते हैं मुंबई जहां से राज जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर अपना सवाल लेकर। राज गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से शेयर्स हैं आपके पास? सर मेरे पास HDFC बैंक है, 1000 शेयर्स 225 के रेट पे। ओके क्या मुझे सेल करना चाहिए कि रखना चाहिए? 225 पे लिए हैं आपने? हाँ। अच्छी खासी आपने बढ़त देखी है इसमें, कब लिया आपने ये शेयर्स? सात आठ साल हो गए। चलिए बहुत अच्छी बात है और बधाई हो आपको राज, आपने अच्छे खासे गेन्स देखे हैं इसमें। आशु लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की है, अच्छी कंपनी पिक की है और अच्छे खासे गेन्स भी देखे हैं, अब जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर प्रॉफिट्स बुक करें कि अभी और भी आने वाले सालों में ग्रोथ की उम्मीद है? विवेक देयर इज अ फेयर चांस के जिस तरह के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप कुछ भी एडवाइस दें वो शायद एडवाइस लेना चाहते हैं लेकिन वो बेचेंगे फिर भी नहीं।
सेकेंडली मेरा कहने का एक और भी रीजन ये रहेगा कि अगर इसको बेच के कोई और चीज लेनी है तो आई थिंक ही इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स, तो इसी को कंटिन्यू रखना चाहिए इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन टू एनीथिंग एल्स. सो डेफिनेटली होल्ड है. अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है या कहीं और कोई स्विच नहीं करना, स्विचिंग ऑल्सो डजंट मेक सेंस. अभी भी मुझे लगता है कि अगर मार्केट में एक तेजी रखती है जो आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की हम रिकमेंडेशन करते हैं, उसमें वन ऑफ द आई थिंक ऑटोमेटिक स्टॉक एचडीएफसी बैंक रहता है, तो ही इज ऑलरेडी होल्डिंग दैट स्टॉक, ही शुड कंटिन्यू टू होल्ड. जी बिल्कुल, 9 times गेन हो चुके हैं इनके, और यही राय है कि एक बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा स्टॉक है. आशु का मानना है आप इसमें और होल्ड भी कर सकते हैं और बढ़त देख सकते हैं. मुंबई में ही अविनाश अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ. अविनाश गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग जी. आपके पास जीएसएफसी के शेयर्स हैं? जी हाँ, मैंने 99 रुपए में लिए थे. 500 क्वांटिटी है, लेकिन मुझे जानना यह था कि ये लॉन्ग टर्म है, मतलब एक साल से ज्यादा अगर रखना है मुझे तो क्या क्या टारगेट क्या रहेगा या क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए. ओके स्वाति, जीएसएफसी. यस, काउंटर तो काफी स्ट्रांग है. हम लोग ने अगर लास्ट 2 साल का भी रैली देखे लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो 80-160 के लेवल्स इतनी रैली हमें देखने मिली है, डबल हुआ है स्टॉक. अगर आप लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो डेफिनेटली मोर देन ईयर, तो आई बिलीव कि इसमें पोटेंशियल है अप टू 230-240 लेवल्स देखने की. नीचे में 120 का काफी एक स्ट्रांग सपोर्ट है. अगर हम मंथली चार्ट देखें तो 120 का काफी एक स्ट्रांग सपोर्ट है, तो वो एक स्टॉप लॉस रख के आप डेफिनेटली कैरी कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर टर्म टारगेट ऑफ अ 230-240 लेवल्स ऑन द अपसाइड. चलिए अब जयपुर चलते हैं जहां से राहुल जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर हमारे साथ. राहुल गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग जी. जी मेरा सवाल है, मेरे पास मिंडा कॉर्प है, 206 रुपए में लिए हुए हैं 500 शेयर्स. ओके और 10-15 दिन का मेरा इसका रिव्यू है तो उसके बारे में जानना है. ओके और दूसरा मेरे पास गति है. ओके 140 रुपए की खरीद है 500 शेयर की, तो उसके बारे में जानना है. दोनों में शॉर्ट टर्म व्यू है 15 दिन का. जी ओके स्वाति, ये दो शेयर्स चार्ट्स पर कैसे दिख रहे हैं? मिंडा कॉर्प डेफिनेटली काफी अच्छा स्ट्रांग है. अगर हम डेली चार्ट देखें तो वो अभी फ्लैग पैटर्न एक फॉर्मेशन में चल रहा है, फ्लैग पैटर्न का एक बॉडी बनाने जा रहा है. नीचे में 190 का एक काफी स्ट्रांग सपोर्ट है जो कि फ्लैग पैटर्न का लोअर बॉडी है, तो आई विल सजेस्ट जब तक वो होल्ड है 190-191 लेवल, तो डेफिनेटली हमें अपसाइड रैली देखने मिलेगी. अपसाइड इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो कि ऑल टाइम हाई है, डेट इज 210 रुपीज ऑल लेवल. अगर वो लेवल एक बार ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली 230-240 के टारगेट्स हमें देखने मिलेंगे, तो आई विल सजेस्ट कि उन्होंने होल्ड करना चाहिए पर्टिकुलर काउंटर. 190 का एक स्टॉप लॉस रखिएगा. अगर इंट्राडे स्पेसिफिक आप वेरी शॉर्ट टर्म रखते हो तो 195 का एक स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस रख के आप होल्ड कर सकते हो फॉर अ इमीडिएट टारगेट ऑफ मिनिमम 210 फॉर इंट्राडे 1-2 डेज एट सच. बट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन आई विल सजेस्ट टू मेंटेन द स्टॉप लॉस ऑफ 190 फॉर एटलीस्ट 2-3 वीक्स के लिए. गति की बात करें तो डेफिनेटली ये काउंटर भी काफी स्ट्रांग है, 200 डीएमए मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है. 124-125 इज द इमीडिएट स्ट्रांग सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय इट्स 200 डीएमए. अपसाइड में 140 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, एक बार वो क्लियर होता है तो डेफिनेटली हमें एक रैली देखने मिलेगी 150-160 और लेवल्स. तो ये स्टॉक भी मेरी राय यही होगी कि इन्हें भी आप होल्ड कीजिएगा. नीचे में आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं 125 का फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 140-150 लेवल्स ऑन द अपसाइड. चलिए अब जयपुर चलते हैं जहां से राकेश जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर. गुड मॉर्निंग राकेश. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. मेरे पास क्विक हिल टेक्नोलॉजी के 6000 शेयर है 215 रुपए के भाव से. जी जी ठीक तो है. मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकता हूँ 1-2 साल के लिए, तो कितना मैक्सिमम टारगेट हो सकता है सर इसमें? जी आशु क्विक हिल. देखिए मुझे तो लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म अवधि के लिए रोक सकते हैं जैसे उन्होंने कहा कि आई मीन ही कैन, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए. कोई ऐसा मुझे रीज़न नहीं लगता किसी भी तरह का. तो कंसोलिडेशन मोड के अंदर है बट मुझे लगता है कि इंटरमिटेंटली कभी ना कभी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में एक अच्छा अप मूव मिल सकता है. सो आई थिंक डेफिनेटली होल्ड करें, कोई ऐसा मुझे वो प्रॉब्लम नहीं लगती है. ऑन द कॉन्ट्री अगर मार्केट में कोई करेक्टिव मूव आता है, मिड कैप्स के अंदर कोई करेक्शन आती है, तो इसमें अगर कोई सेंटीमेंटल नीजक रिएक्शन आता है तो शायद और नीचे में ऐड करना चाहिए.
बहुत बहुत धन्यवाद आशु आने के लिए आज और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए. स्वाति आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन लेकर मैं लौटूंगा और मेरे साथ आज होंगी दीपाली सेन जो आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देंगी.